तो 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से दिमाग हमारा अभी भी गुलाम ही है। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो देखता हूँ किसी फॉरेनर की जो इंडिया में घूमने आया है यूट्यूब पे, एक तो पहली बात ये कि आप ये देखना कि जिस भी ट्रैवल व्लॉगर का या यूट्यूबर का चैनल नहीं चल रहा होगा, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली गोरे लोगों की, वो इंडिया का एक ट्रिप लगा लेते हैं। जिसका फूड चैनल नहीं चल रहा होगा, वो इंडियन फूड के ऊपर कुछ, यू नो, जो फूड व्लॉगर होते हैं वो इंडिया में आके वो भी इंडिया का एक चक्कर लगा लेते हैं, इंडिया के फूड के ऊपर वीडियोज़ बना देते हैं, और फिर वहाँ से उनको एक किक स्टार्ट मिल जाता है, कुछ ऑडियंस मिल जाती है इंडिया की, और फिर यू नो, और फिर वो कभी घूम के नहीं देखते इस तरफ। और जब वो यहाँ का दिखा भी रहे होते हैं तो ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे कि एक कहावत अंग्रेज़ी में कि ब्रेड के बाद बेस्ट चीज़ यही है, अगर किसी चीज़ की बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो इस तरीके से दिखा रहे होते हैं कि इतनी बढ़िया चीज़ है इंडिया, ठीक है, बट उसके बाद कभी घूम फिर के नहीं आते या फिर कभी वापस नहीं आते। और मैंने इस रिलेटेड इस पे ही एक और जॉनरा बन गया था या है ही एग्जिस्ट करता कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया या बॉलीवुड की मूवीज़ और शोज़ के ऊपर जिनका चैनल पूरा पूरा बेस करता है, मैंने इस पे कि उनके रिएक्शन चैनल इतने ज़्यादा हिट क्यों है इंडिया में, जब कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ बनी हुई किसी स्टोरी या किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन देता है तो हम उसे इतना ज़्यादा देखना पसंद क्यों करते हैं। और उसमें मेरा लॉजिक सिंपली ये है यार, देखो, अगर आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिवली सोचने वाला दिमाग है तो आपको पता है कि एक एवरेज हॉलीवुड की जो मूवी होती है या यू नो वेस्ट में बनने वाली जनरल फ्रेंच ब्रिटिश मूवी, उसमें हर चीज़ हायर लेवल की होती है हमारे यहाँ की मूवीज़ एक एवरेज मूवी से। अगर आप एवरेज टू एवरेज, कोई एक इंडियन मूवी अच्छी हो सकती है उनसे या कुछ एक कुछ मूवीज़ इंडिया की अच्छी हो सकती हैं उनकी कुछ घटिया मूवीज़ से, लेकिन ओवरऑल वो ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे एक बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं एज़ फार एज एंटरटेनमेंट डेप्थ इज़ कंसर्नड। एक्टिंग में आपको ज़बरदस्त मिल जाएगी परफॉर्मेंस, म्यूज़िक में मिल जाएगी, स्टोरी को उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है उस चीज़ में, हर क्वालिटी हर चीज़ में। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनकी सोसाइटी थोड़ी सी एडवांस्ड है हमसे डिफरेंट वेज में। तो उस सोसाइटी से आने वाला व्यक्ति जिसको आदत है एक सुपीरियर प्रोडक्ट कंज्यूम करने की, और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमसे सुपीरियर है, क्योंकि अगेन मेरा ये मानना है एंटरटेनमेंट या स्टोरी टेलिंग के मामले में मुझे लगता है कि इंडिया का फूड सुपीरियर है ऑलमोस्ट हर कंट्री से। मुझे एक्चुअली इंडिया से बेटर फूड किसी भी कंट्री का नहीं लगता, फूड में हमने पीक कर दिया है। तो यू नो, आप ये मत सोचो कि मैं एक उनकी साइड ले रहा हूँ इसमें, मैं ऑब्जेक्टिवली अगर आप सोचो तो उसकी बात कर रहा हूँ। और ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि अमेरिकन मूवीज़ पूरी दुनिया देखती है, उनका स्टाइल उनका कल्चर पूरी दुनिया कॉपी करती है, तो यानी कि वो बेटर प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंपल बात है ये। लोग कभी भी इन्फीरियर चीज़ के लिए पैसा खर्च करके मेहनत करके नहीं करने जाते, और चाइनीज़ भी उतने ही अमीर हैं, पर चाइनीज़ मूवीज़ कहाँ इतनी पॉपुलर है दुनिया में। जिन मूवीज़ को आप चाइनीज़ मूवीज़ समझ के देखते हो वो एक्चुअली हांगकॉन्ग से प्रोड्यूस होती थी वो मूवीज़, जो कि यूके की एक प्रोटेक्टरेट थी। एनीवे, ये एक पूरा ही डिफरेंट टेंजेंट पे हम निकल गए, बट कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति जिसको सुपीरियर प्रोडक्ट यूज़ करने की आदत है वो क्यों देखेगा हमारा इन्फीरियर प्रोडक्ट, और क्यों उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बेसिकली ऑडियंस गैदर करने के लिए। अच्छा, जो सब्जेक्ट है आज का वो इससे जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट वो ये है कि आपने जब भी किसी फॉरेनर ट्रैवलर को इंडिया में आते हुए देखा होगा, जब भी वो व्यक्ति किसी भी जगह पे जाता है जहाँ कुछ लोग हैं, थोड़ा क्राउड है, और वो लोकल है, किसी होटल या किसी एयरलाइन के कर्मचारी नहीं है, अपनी वर्किंग सिचुएशन में नहीं है, और बल्कि कई बार तो जहाँ वो अपनी वर्किंग सिचुएशन में होते हैं वहाँ भी ऐसा होता है कि लोग जाके उनको कहते हैं कि हमारे साथ सेल्फ़ी खिंचवाओ, और वो जो व्यक्ति होता है, जो ट्रैवलर होता है, वो कोई फेमस व्यक्ति नहीं है, वो कोई कंट्री का लीडर नहीं है, वो कोई मूवी स्टार नहीं है, वो एक एवरेज व्यक्ति है जो बस एक दूसरी रेस से बिलोंग करता है, सिर्फ उसमें और कंट्री से।
दूसरी रेस और कंट्री से बिलोंग करता है सर, उसमें और जो हमारा एक लोकल व्यक्ति है जो जाके उससे सैलरी मांग रहा है, उन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपके विचार कैसे हैं। मैं सोचता हूँ कि सामने वाले को लगता क्या होगा इसे, जब जो व्यक्ति आता होगा कि यार मेरे से सेल्फी खिंचवा लो, तो उसको लगता क्या होगा? क्योंकि अपने देश में तो मुझे नहीं लगता, अगर वो एक एवरेज इंसान है तो कुत्ता भी कोई पूछता होगा। जहाँ उसकी ज़रूरत होती होगी वहाँ उसको लोग उससे बात करते होंगे, उसे एंटरटेन करते होंगे, जहाँ उससे उसको कोई मतलब नहीं होता होगा, यू नो, जैसे हमारे यहाँ होता है। यू नो, एक आम आदमी बिल्कुल आम आदमी ही है, जैसा कि उसका नाम है, आम आदमी। उस बेचारे को हर चीज़ करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद आप एक जगह जाओ जहाँ लोग आपके साथ आके सेल्फीज खिंचवाने लग जाएं, आपको ऐसा फील हो जैसे अरे यार मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, कोई मूवी स्टार हूँ, कोई इस तरीके की चीज़, तो उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा जिसके साथ ये हो रहा है? वो सोचता होगा यार ये क्यों मेरे साथ ये फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप होते तो आपको कैसा लगता? मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ लोग जो कि चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, और एक्चुअली ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही फ्रेंडली और अच्छे लोग हैं। पर ज़्यादातर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि इनके पास, मतलब इनकी हालत ठीक नहीं है थोड़ी। उसका रीज़न ये है कि ऐसा शायद ये जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया का, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान, ये चीज़ मैंने एक्चुअली कई पाकिस्तान के ब्लॉग देखे हैं जहाँ फॉरनर्स जाते हैं, वहाँ भी कुछ लोगों में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा शायद इजिप्ट वगैरह की किसी कंट्री में थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती होगी, बट मेरे ख्याल से ये मेजॉरिटी ये चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। और एक बार मैं गया था शंघाई, वहाँ मैं ऐसे ही रात में मार्केट वगैरह में घूम रहा था, तो मैंने ये चीज़ देखी। वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ लोग थे। शंघाई शहर तो वैसे थोड़ा बड़े लेवल का शहर है, चाइना का शायद सबसे बड़ा शहर है, लेकिन लोग जिस एरिया में मैं था वहाँ सिर्फ चाइनीज़ लोग थे। एक शब्द अंग्रेज़ी का हाय हेलो यस नो ये भी किसी को नहीं बोलना आता, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद। तो वहाँ मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की क्योंकि मैं उन लोगों से डिफरेंट लग रहा था, हर कोई मुझे देख रहा था, और एक्चुअली लाइक ऐसे ऐसे करके जब बंदा दो बार पलट के देखता है उस तरीके से देख रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोटो नहीं मांगी। शायद वो गोरे लोगों को देख के मांगते होंगे फ़ोटो वहाँ पे भी, पर मुझे इस तरीके का कोई वाकया मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो अगेन, और अब आप ये सोचो कि हमारे माइंड में ये चीज़ कहाँ से आती है। एक चीज़ शायद ये हो सकती है क्यूरियोसिटी कि यार ये बंदा कौन है, बट उसके साथ फिर सेल्फी क्यों लेनी है? क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो शायद मुझे ये लगता है कि जो हमारा और या जो हमारी जैसी दूसरी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जो कॉलोनियलिज्म से गुजरी हैं, बेसिकली हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ बैठी हुई है कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, या हम तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, एक रशियन को भी हम देख के शायद अमेरिकन एक्सपेक्ट कर लें, या यू नो, हो सकता है वो किसी भी कंट्री का हो, वेस्टर्न यूरोप या यूरोप की किसी भी कंट्री का या अमेरिका का, वेर एवर, तो हम सिर्फ उनको देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बट हमें एक सबकॉन्शियस तौर पे लगता है कि ये व्यक्ति अमीर ही होगा। और एक है हमारी कंट्री में रंग का सीन कि भाई जिसका रंग हल्का है, गोरा है, वो खूबसूरत है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से जैसे जो इंग्लिश बोलता है वो पढ़ा लिखा और विद्वान है ऑटोमेटिकली। ये और मुझे नहीं समझ आता कि ये ट्रोप्स अभी भी कैसे ऑन गोइंग चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब तो यार कितनी जनरेशन्स आ गई, यार मेरे को लगता है शायद पाँचवीं छठी जनरेशन चल रही है 47 के बाद आज के टाइम पे, और फिर भी ये चीज़ें अभी भी फिल्टर आउट होके यू नो लाइक डिसअपियर नहीं हुई हैं आज के टाइम पे। मतलब वो कौन होते हैं जो पिक्चर्स मांगने जा रहे होते हैं? मोस्टली यंग लड़के होते हैं 15-16-17 साल के। तो आई डोंट नो यार, हालांकि मुझे पता है कि ये सबसे बुरा केस नहीं है हमारी सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग का, लाइक लोग ऐसे भी हैं जो, आई थिंक कोरिया या पता नहीं कहाँ से एक लड़की आई थी लाइव स्ट्रीम कर रही थी, कुछ ऐसी 17-18 साल के दो लड़के थे, पीछे हो गए, उसके पीछे पड़ गए और हरास करने लग गए, और फिर आई थिंक कोई और दूसरा लड़का आया था थोड़ी बड़ी एज का, उसने उसको बोला कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ से निकलने में। तो मुझे पता है कि जो चीज़ें हैं वो इससे बुरी भी हैं,
इससे बुरी फॉर्म की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। पर ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मान लो कुछ लड़के एक लड़की को हरास कर रहे हैं, इसकी सेंस बनती है, यू नो, एक इवोल्यूशनरी लेवल पे आप इसे देख सकते हो कि क्या ऐसा दूसरी जगहों पे होता है। ये शायद पूरी दुनिया में होता होगा, ख़राब एरियाज़ में न्यूयॉर्क में जाओगे, पूरी दुनिया में कहीं पे, लंदन कहीं पे भी जाओ, टोक्यो में जाओगे, स्पेशली लड़की, स्पेशली रात के टाइम पे, डेफिनेटली बुरी चीज़ें होने का बहुत ज़्यादा चांस ऊपर चले जाएगा। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो क्राइम है बेसिकली, जो कि हर जगह एग्जिस्ट करता है। जो मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति जो कि दिखता डिफरेंट है उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचवाने का, क्या तो वो फ़ोटो, और हम बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं, क्या हम उन्हें दोबारा देखते भी हैं फ़ोन में? फ़ोन चेंज होता है, वो फ़ोटोज़ भी मेरे ख्याल से चली जाती है उसके साथ, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं तो कोई बैकअप वगैरह कुछ भी नहीं रखता, और मुझे लगता है क्योंकि कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम सारे एज ह्यूमंस, तो शायद ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा। कोई व्यक्ति बैठ के बैकअप करके अपनी 10 साल पुरानी एक एक फ़ोटो को नहीं देख रहा, अनलेस किसी रात में उसे नींद नहीं आ रही होगी और उसने फ़ोटो एल्बम खोल ली और वो देख रहा है, पर उसमें भी वो वही देख पाएगा जो उसके फ़ोन में है उस वक्त। एनीवे, तो क्यों लेते हैं फ़ोटो? क्या एक फ़ोटो लेके जाके अपने दोस्तों को बताना है, अब यार ये मुझे मिला, मैंने इसको व्हाटएवर जो भी किया, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना हो तो शायद वो भी बताया। और अब तो कोई यार ऐसी भी चीज़ नहीं रही कि आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट इतना नहीं था लोगों की लाइफ के अंदर घुसा हुआ, तो एक नॉवेल्टी होती थी किसी डिफरेंट दिखने वाले व्यक्ति को अपनी कंट्री में देखना, स्पेशली अफ्रीकन ओरिजिन के या यू नो वाइट यूरोपियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनको देखना। बट अब तो यार ऐसे ही घूम रहे होते हैं इधर उधर हर जगह। तो मुझे नहीं, या शायद एक चीज़ आप अगर सोचो तो ये भी हो सकती है कि किसी एक्साइटिंग और डिफरेंट चीज़ के साथ पिक्चर लेने का बड़ा शौक है लोगों को, क्योंकि फ़ोन्स, कैमरा फ़ोन्स एक न्यू फिनोमिनन है रिलेटिवली कल्चर में, क्योंकि कल्चर तो सैकड़ों सालों पे बेस्ड होता है ना, तो कैमरा फ़ोन की जो एज है कल्चर में एज ए ऑब्जेक्ट वो कितनी है, 10 साल मैक्सिमम, 15 साल। बेसिकली ऐसे कैमरा जिनकी कुछ यू नो सेल्फी वगैरह की कोई बात है, क्योंकि 15 साल पहले भी से 20 साल पहले भी कैमरा फ़ोन आते थे बट उनमें दिखता कुछ नहीं था, हाँ, या फिर आई थिंक फ्रंट कैमरा आए भी नहीं थे 20 साल पहले, तो बहुत छोटी एज है इनकी। और बेसिकली चीज़, बट ये पॉइंट इससे यू नो लाइक वो हो जाता है, डिसक्वालीफाई हो जाता है कि फिर ये तो सब जगह ही होना चाहिए था, है ना? तो एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे रीजनिंग इसकी समझ आती है वो यही आती है कि कॉलोनियलिज्म की वजह से हम लोगों के माइंड्स एक सर्टेन तरीके के सबकॉन्शियस लेवल पे एक सर्टेन तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं, जिसमें कि एक तो फैक्टर आ जाता है कलर, और एक फैक्टर आ जाता है उस कलर की वजह से एक चीज़ का इंडिकेट होना। कलर ये कि भाई देखो जो वो कलर है, कलर के बंदे हैं वो खूबसूरत हैं, यानी कि गोरे रंग के बंदे खूबसूरत हैं डिफ़ॉल्ट, और दूसरा जिसका रंग गोरा है वो पैसे वाला अमीर बढ़िया व्यक्ति ही होगा, और तीसरा उसको अंग्रेज़ी भी आती होगी क्योंकि सारे जो गोरे लोग होते हैं वो तो अंग्रेज़ी होते हैं, क्योंकि हमारे लिए उसका सिनोनिम जो वर्ड है एक गोरे रेस के व्यक्ति के लिए वो है अंग्रेज़ आया था, ऐसे कहते हैं ना कि मैंने आज एक अंग्रेज़ को देखा या वहाँ पे एक अंग्रेज़ आया था। अब ज़रूरी नहीं है वो भाई नॉर्वेजियन भी हो सकता है, वो रशियन भी हो सकता है, वो बेलारूस का भी हो सकता है, वो बुल्गारिया का भी हो सकता है, बट हमारे लिए जो एक आम व्यक्ति है सड़क पर चलता हुआ उसके लिए वो अंग्रेज़ है, तो यानी कि वो अंग्रेज़ी बोलता हुआ, यानी कि वो पढ़ा लिखा भी होगा, तो समझ रहे हो, पैसा, खूबसूरती और ज्ञान, यू नो सब कुछ ही है, मतलब हर तरीके से बेटर इंसान। और एक चीज़ और भी है, ऑन एन एवरेज वो लोग थोड़े से हमारे एक आम व्यक्ति के मुकाबले वो लोग थोड़े से फिज़िकली बिल्ट भी उनका बेटर होता है, डिफरेंट फिज़िकल रीजंस की वजह से, जो
उनका एनवायरनमेंट है, उनके डाइटरी सिचुएशन है, उस सारी रीजंस की वजह से। तो एक चीज़ वो भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें दिक्कत दिक्कत तो नहीं कहना चाहिए, क्रिंज है ये चीज़ थोड़ी सी, कि शायद ये दूसरी कंट्रीज़ में भी करती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की जो कंबोडिया या लाओस ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में देखोगे तो सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं, शायद थोड़े हायर डिग्री पे, बट वहाँ के लोग नहीं भागते इनके साथ सेल्फी लेने के लिए। और इस मामले में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ शायद जो इंसान के बीच का पर्सनल स्पेस का डिस्टेंस है, आता है सारा सिविक सेंस के अंदर ही है, वो नहीं है। और फिल्टर भी एक्चुअली नहीं है, जिस तरीके से बात करने का एक अजनबी व्यक्ति के साथ फिल्टर होता है, हमें वो भी नहीं है कि यार तुम चढ़ जाओगे क्या इकट्ठे होके एक ही व्यक्ति के ऊपर, जैसे कि टैक्सी वाले हैं वो करते हैं जो एयरपोर्ट के बाहर, कि अगर आप 100 बंदा एक बंदे पे चढ़ जाओगे टैक्सी ले लो टैक्सी ले लो, तो इससे वो कैसे तुम्हारा कस्टमर बन जाएगा। आई डोंट नो वो किस माइंडसेट से चल रहे हैं। तो वो जो एक पर्सनल स्पेस की इन्वेजन का जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली एक सिविक सेंस का ही इशू है ये भी, वो भी नहीं एग्जिस्ट करता। कि जो व्यक्ति थोड़ा सा जिसने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ होगा, वो शायद एक थोड़े फेमस व्यक्ति को देख के भी थोड़ा संकोच करेगा कि यार मुझे पिक्चर आप दे दो। पर फेमस व्यक्ति के साथ एटलीस्ट चलो ये होता है कि दुनिया को, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया को पता है कि मैं फेमस हूँ, तो लोग फोटोग्राफ पुराने ज़माने में मांगते थे, अब सेल्फी मांगते हैं। बट यार एक आम आदमी जो कि बस यहाँ घूमने आया है उसको किस लेवल का शौक लगता होगा। तो ये सारी बातें हैं। मैंने ऐसे ही कुछ ट्रैवल व्लॉग देखा था और मैं देख के ये सोच रहा था, और आई डोंट नो, कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आपको इतनी परेशान नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। तो यू नो, बात कर ली इस पे आज।